सो रिसेंटली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिस इशू किया है जिसमें मेंबर्स के लिए मैसेज है, जिसमें कहा गया है कि डियर मेंबर, विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द ईशीआर शैल बी अलाउड टू बी फिल्ड ओनली फॉर दोज मेंबर हुज आधार नंबर्स आर सीडेड एंड वेरीफाइड विद द यूएएनस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2021. Therefore, please link your Aadhaar number in the UAN, yani ki universal account number, to avail uninterrupted services of the EPFO. Members can validate their Aadhaar with UAN through the online eKYC facility available on the member portal as well as the Umang app. In the view of impending mandatory provision, yani ki UAN hai, universal account number jo EPFO allot karta hai har ek employees ko, उसको आपके आधार कार्ड से लिंक करना है. अगर वो लिंक नहीं किया तो एम्प्लॉयर्स का जो पोर्शन है आपका, एवरी मंथ जो आपका एम्प्लॉयर्स कंपनी जो आपके पीएफ अकाउंट में जो फंड कंट्रीब्यूट करता है वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये नोटिस बता रहा है. तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आधार कार्ड है उसको आप कैसे यूएएन से लिंक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आपका जो UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर PF का है उसको आधार से लिंक करने के लिए ये जो वेबसाइट है iwu.epfindia.gov.in/ekyc में जाना है. उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है लिंक UAN आधार, उसको आपको क्लिक करना है. उसको क्लिक करने के बाद आपको आपका जो UAN नंबर है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो यहाँ पर एंटर कर देना है. और जैसे ही आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंटर करते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली, जो रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल नंबर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. और वो सिलेक्ट होने के बाद आपको ओटीपी जो है वो जनरेट करना है. और वो जनरेट करने के बाद आपको जो भी OTP आएगा, ये देखिए जैसे ही मैंने मेरा UAN एंटर किया उसने ऑटोमेटिकली मोबाइल जो रजिस्टर था उसको हाईलाइट कर दिया. और अभी मैं एक जनरेट OTP क्लिक करूँगा 0583, ये OTP कर दिया मैंने. और उसके बाद मैं मेरा जो आधार नंबर है उसको मैं एंटर करता हूँ. यहाँ पर जाकर मुझे अगेन मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको सीडिंग का OTP चाहिए वो ऑप्शन मिलेगा. मैंने यहाँ पर OTP बेस्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है. और इसके बाद इधर कैप्चा को एंटर करना है, नीचे जो ये आपको दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग को एंटर करना है GRPP7Y. और उसको मैं करूँगा सबमिट. ये सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन के लिए एक और विंडो आएगा कि ये आपका UAN है और ये आधार है, आप वेरीफाई कर लीजिए. एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने जो एंटर किया है आधार नंबर वो सही है कि नहीं. अगर आप कंफर्म है तो प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के लिए जाइए. और उसके बाद आपको जो OTP है वो किस में चाहिए वो बताएगा. तो मैंने SMS सिलेक्ट कर लिया है. और यहाँ पर मुझे जो उसका टर्म्स है वो सिलेक्ट कर लेने, तभी आपका जनरेट OTP जो है वो हाईलाइट हो जाएगा. और मैंने ये जनरेट OTP को सिलेक्ट कर लिया और मुझे एक OTP भी अभी आएगा. वैलिडेट कर देता हूँ OTP को. इसके बाद और आधार कार्ड का डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप जब उसको सबमिट करेंगे तो सबसे पहले वो एम्प्लॉयर अप्रूव करना चाहिए. एम्प्लॉयर के अप्रूव करने के बाद जो EPFO ऑफिस है वो अप्रूव करेगा और उसके बाद आपका KYC वेरीफाइड हो जाएगा. तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा होगा. अगर ये यूजफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. और ऐसे ही कुछ यूजफुल डिटेल देखने के लिए प्रेरक टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू सून. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय.